नमस्कार, मैं भूमिका, आपका स्वागत है देश रोजाना में। आज हम बात करेंगे उन घटनाओं की जो ना केवल हमारे देश को प्रभावित कर रही हैं बल्कि हमारे समाज की धड़कन भी हैं। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे ताज़ा खबरों की जो आपको रखेगी हर पल अपडेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई यात्रा जहाँ हर खबर है एक नई कहानी। यूपी की गलियों में गूंजेगा नया आदेश, रेडी पटरी पर नेम प्लेट कर सर्च लाइट। इसराइल हमास संघर्ष में हिजबुल्ला की धुंधली भूमिका, खेल में नया मोड़। जेंसी पर कंपनियों का सन्नाटा, क्यों है ये युवा बेरोजगारी के शिकंजे में। दिल्ली की हवा फिर होगी जहरीली, पराली जलाने की आग में घिरी पंजाब हरियाणा। ओवैसी का कड़ा बयान, मोदी जी की नियत में छुपा है मुसलमानों का खौफ। आरएसएस का नया चक्रव्यूह, क्या राजनीतिक विकास की राह पर हैं लोग। ओडिशा के हिरासत में मारपीट कांड में नया मोड़, निलंबित पुलिसकर्मी का पॉलीग्राफी टेस्ट। जम्मू कश्मीर में मुफ्त गैस का बीजेपी का सपना, सोशल मीडिया पर मचा बवाल। दिल्ली से अगवा मासूम का खौफनाक सफर, आरपीएफ ने बचाई बच्चे की जान। अब नजर डालते हैं हरियाणा की खास खबरों पर। पीएम मोदी ने गोहाना में कांग्रेस पर किया जोरदार हमला, दलालों और दामादों के हवाले किया हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गोहाना में एक रैली के दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया गया है और कांग्रेस के शाही परिवार को सबसे भ्रष्ट करार दिया। मोदी ने कहा कि पिछले कई वर्षों में कांग्रेस ने राज्य के विकास में बाधा डाली और केवल अपने स्वार्थों के लिए काम किया। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर आरोप भी लगाया कि वे केवल अपने परिवार और करीबी लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं, जबकि आम जनता की समस्याओं को नज़रअंदाज किया जाता है। पीएम ने प्रदेश की जनता से अपील की कि वे ऐसे सरकार को चुने जो उनके विकास और उनकी समृद्धि के लिए काम करे, ना कि एक परिवार के लाभ के लिए। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी पार्टी विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्ध है। ये रैली आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक परिणाम रणनीति का हिस्सा थी, जिसमें मोदी ने अपने समर्थकों को उत्साहित करने का प्रयास किया। उनका यह बयान हरियाणा की राजनीतिक परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कुमारी शैलजा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक किरदार बनकर उभरी हैं, जिनका प्रभाव दोनों प्रमुख पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शैलजा की जाति सूचक टिप्पणी पर हालिया विवाद ने उन्हें न केवल चर्चा का केंद्र बना दिया बल्कि चुनावी समीकरणों में भी एक नया मोड़ लाने की संभावना पैदा कर दी है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कुमारी शैलजा, जो कि दलित समुदाय की प्रमुख आवाज़ मानी जाती हैं, उन्होंने नए अपने राजनीतिक करियर में कई बार अपनी स्थिति को मजबूत किया है और उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपने पारंपरिक वोट बैंक को सहेजने का प्रयास किया है, खासकर जाट और दलित समुदाय के बीच। वहीं बीजेपी इस अवसर का लाभ उठाने के लिए रणनीति बना रही है। शैलजा पर की गई जाति सूचक टिप्पणियाँ उनके विरोधियों को एक मौका दे सकती हैं, जिससे वे कांग्रेस की छवि को कमजोर करने की कोशिश कर सकते हैं। इस प्रकार शैलजा की स्थिति दोनों दलों के लिए एक्स फैक्टर बन गई है। हरियाणा की राजनीति में जाति समीकरणों का गहरा प्रभाव होता है, ऐसे में कुमारी शैलजा का उभार इस चुनाव को और भी रोचक बना सकता है। उनका प्रभाव, नेतृत्व और सामुदायिक समर्थन कांग्रेस के लिए उम्मीद की किरण हो सकता है, जबकि बीजेपी के लिए ये चुनौती भी है कि वे कैसे इस स्थिति का सामना करें। हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य में कुमारी शैलजा की भूमिका चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकती है और देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनावी महासंग्राम में वे किस दिशा में जाती हैं। दुष्यंत चौटाला हरियाणा सियासत में नीतीश कुमार जैसा रोल तलाशने की कोशिश। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के चलते दुष्यंत चौटाला अपनी राजनीतिक भूमिका को नई दिशा देने की कोशिश में है। उन्होंने नीतीश कुमार के तर्ज पर एक अहम रणनीति तैयार की है, जिससे वो न केवल अपने दल जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी की स्थिति को मजबूत कर सकें बल्कि समावेशी राजनीति का भी एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। दुष्यंत चौटाला, जो पहले बीजेपी के सहयोगी रहे हैं, अब खुद को एक स्वतंत्र नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। उनका लक्ष्य है कि वे उन मतदाताओं को जोड़ सकें जो बीजेपी और कांग्रेस से निराश हैं। इस संदर्भ में नीतीश कुमार का उदाहरण उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है, जिन्होंने समय समय पर राजनीतिक समीकरण बदलकर अपने जनाधार को बनाए रखा। चौटाला का मानना है कि हरियाणा में जातीय समीकरणों को समझकर और विभिन्न समुदायों के बीच संतुलन स्थापित करके वह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने साफ किया कि उनकी प्राथमिकता प्रदेश के विकास और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है।
इस चुनावी माहौल में दुष्यंत चौटाला का ये प्रयास हरियाणा की राजनीति में क्या एक नया अध्याय लिख सकता है, जिसमें वो नीतीश कुमार की तरह खुद को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित करना चाह रहे हैं जो सभी के लिए एक समान अवसर और आवाज़ प्रदान करें। अब देखना यह है कि क्या वो इस चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा कर पाते हैं। विनेश फोगाट, राजनीति में आना कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत थी। हरियाणा विधानसभा चुनावों के बीच पहलवान और कांग्रेस के उम्मीदवार विनेश फोगाट ने अपने राजनीतिक सफर के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि राजनीति में आना कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत थी। विनेश ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि खेल के क्षेत्र में मिली सफलताओं के बाद उन्होंने महसूस किया कि राजनीति में आने का निर्णय आवश्यक था ताकि वो समाज में बदलाव ला सकें। उन्होंने भी कहा कि उनके लिए कदम केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि अपने समुदाय और खेल के क्षेत्र में सुधार के लिए उठाया गया है। हरियाणा की जाने मानी पहलवान ने कहा कि खेलों में जब हम एकता और सहयोग का अनुभव करते हैं तो वो भावना अब राजनीति में लाना चाहती हूँ। उन्होंने अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करते हुए कहा कि वो युवा पीढ़ी को प्रेरित करना चाहती हैं और उनकी आवाज़ बनना चाहती हैं। विनेश की ये स्थिति हरियाणा की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद जगा रही है। चुनावी मैदान में उतरकर उन्होंने एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया है जो खेल और राजनीति के बीच की खाई को पाटने का प्रयास है। अब देखना यह है कि उनका ये प्रयास कितनी सफलता प्राप्त करता है। इस प्रकार हरियाणा की राजनीतिक धारा में कई नए और दिलचस्प मोड़ देखने को मिल रहे हैं। दुष्यंत चौटाला की नई रणनीतियां, कुमारी शैलजा का प्रभाव और विनेश फोगाट का राजनीतिक सफर सभी इस चुनाव को और भी ज़्यादा रोमांचक बना रहे हैं। और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, राजनीतिक वातावरण में हलचल बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में इन सभी नेताओं की निर्णय और रणनीतियां हरियाणा की राजनीति को आकार देंगी और हम आपकी जानकारी के लिए इस पर नज़र रखेंगे। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। देखते रहिए आपका चैनल देश रोजाना, बेबाक सच। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।